के साथ मनीषा पाटीदार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गए हैं और वही चुनाव में महज 4 महीने का वक्त शेष है और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। पार्टी अभियान को लेकर जल्द ही तारीखों का ऐलान भी करने वाली है। तो आपको बता दें, शाह का मिशन मध्य प्रदेश जो है वो शुरू हो चुका है, बैठक भी खत्म हो गई है और कई चुनावी रणनीति पर भी उनके द्वारा मंथन किया गया। बीजेपी नेताओं को मूल मंत्र शाह के द्वारा दिया गया, जो चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही। शाह ने बैठक की और विस्तारकों को रिपोर्ट सौंपने पर भी उनके द्वारा मंथन किया गया और पार्टी नेताओं को मूल मंत्र जो है शाह के द्वारा दिया गया। तो आपको बता दें, भूपेंद्र यादव जो है तैयारी कर रहे हैं और रिपोर्ट उनके द्वारा सौंपी जा रही है। जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे भी बीजेपी के द्वारा तय करने के लिए उनके द्वारा बात कही गई है। गृह मंत्री भोपाल में उनका मिशन 2023 वो देखने को मिला है और वही आपको बता दें, अमित शाह बीजेपी के नेताओं को मंत्र दे रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर हैं और उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं और मूल मंत्र बीजेपी नेताओं को क्या क्या दिए गए हैं, एक बार पूरी अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जो बैठक चली है उसमें विजय संकल्प अभियान खरीद किया गया। दरअसल इस बैठक में अमित शाह ने कई सारे मंत्र दिया है और कई सारे संदेश देने की कोशिश की, खासतौर पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ लिए गए, जिस तरह से बैठक में इंस्ट्रक्शन दिए कि पावर संगठन है, कार्यकर्ता है, बाकी कोई और, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। यानी किसी भी बड़े नेता के दबाव में आने की जरूरत नहीं, ये स्पष्ट हो गया तो जी। अनुराग मालवीय, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब वक्त कुछ ही महीने वापस शेष बचे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले दल बदलने का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को कटनी जिले के जनपद सदस्य संदीप वाजपेयी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता उन्हें ग्रहण कर ली और इस मौके पर संदीप वाजपेयी ने कहा कि मैंने कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली है। संदीप वाजपेयी से बात की है हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ अहम रहा आइए हम आपको सुनाते हैं। संदीप वाजपेयी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्या कारण उनसे बने, क्या मकसद है, किन मकसद के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल? आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से, मेरे साथियों से, कांग्रेस पार्टी से मन मिलता है, प्रभावित हुआ, आज कांग्रेस पार्टी शामिल किया हूं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। ये आप लोग को वचन देते हैं। इतने दिन से क्यों शामिल नहीं हुए, मतलब चुनाव से पहले क्यों, ऐसा क्या लगा आपको कांग्रेस पार्टी? ऐसा कुछ नहीं, हर चीज का एक समय निर्धारित होता है, समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। आज समय था, आज निर्धारित समय था पार्टी ज्वाइन करने का, मैंने पार्टी ज्वाइन करी, इसके अलावा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस के प्रति निष्ठा रहेगी, जीवन पर्यंत रहेगी, आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास रहेगा, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर विश्वास रहेगा। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस में? जो पार्टी निर्देश देगी शब्दशः निर्वहन करूंगा, इस बात का वचन देता हूं। संदीप वाजपेयी जो बता रहे, जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका पूर्णता से पालन करूंगा, कांग्रेस की रीति और नीति को लेकर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालवीय, INS न्यूज़ भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व मंत्री, आपको बता दें विधानसभा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने सीधी घटना को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। कमलेश्वर पटेल ने बताया कि उनके विधानसभा से आगे क्षेत्र में आदिवासी युवक के साथ अमानवीयता की घटना हुई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ला।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज पहला दिन था, हंगामेदार रहा और स्थगित हो गया। सर हंगामेदार रहा, विपक्ष ने खूब हंगामा काटा, सत्ता दल कह रहे हैं। देखिए विपक्ष कोई हंगामा नहीं कर रहा था, बल्कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव विपक्ष ने दिया था, नेता प्रतिपक्ष ने शून्यकाल में विषय को उठाया और सरकार से मांग की, विधानसभा अध्यक्ष जी से मांग की कि इस पे सभी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए। दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार ऐसे गंभीर विषय पे चर्चा कराने की बजाय लीपापोती में लगे हैं, चर्चा नहीं कराए। तो आपको लगे कि 5 दिन का समय था, आज अब 4 ही दिन बचे, तो क्या लगता है ऐसे ही हंगामेदार रहेगा, स्थगित हो जाएगी, अब आप लोग बात रख पाएंगे? देखिए बात तो हम तो चाहते हैं कि सदन चले और जो जनता की आवाज है, जो प्रदेश में क्या लोग महसूस कर रहे हैं, किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, किसानों की क्या समस्या है, बेरोजगारों की क्या समस्या है, महंगाई का विषय है या अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो अपराध हो रहा है, इन सब विषयों पे चर्चा हो और कराना चाहिए सरकार पर। सरकार भगना चाहती है, सरकार चाहती नहीं है कि हमारी कमियां उजागर हों। सरकार नहीं चाहती कि हमारी कमियां उजागर हों, कुल मिलाकर बात की जाए तो विपक्ष ये चाहता है कि जन से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाया जाए सदन में, लेकिन सरकार नहीं चाहती, ये विपक्ष का आरोप है। साफ तौर पर जो कमलेश्वर पटेल हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन श्रीकांत के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश विधानसभा में BSP विधायक रामबाई ने सदन में हंगामा को लेकर लगातार विरोध उनके द्वारा जताया गया। रामबाई ने कहा कि एक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए सदन का मंच मिलता है, अगर वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो विधायक कहां जाए। विधानसभा में हंगामे को लेकर रामबाई से बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ला ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा है, हमारे साथ हैं विधायक BSP की विधायक हैं रामबाई जी। रामबाई क्या लग रहा है ये जो हंगामा हुआ, सदन नहीं चल पाया? अब वो तो सदन तो देखिए हंगामा करें या कुछ भी करें, जो कार्रवाई है जो चीजें हैं BJP के हैं वो तो वो कर ही लेते हैं, विधेयक पास कर लेते हैं, बजट पास कर लेते हैं, सब हो जाता है। बस इस चक्कर में जो और विधायक हैं जो उनको जिनको अपनी विधानसभा की मांग रखने चाहिए चर्चा करने चाहिए वो नहीं हो पाती, बाकी का तो ये लगे रहते हैं वो अपना काम कर लेते हैं। फिर भी क्या विरोध नहीं करना चाहिए विपक्ष? नहीं बिल्कुल करने चाहिए, विधानसभा में भी विरोध करने चाहिए और चर्चा भी करने चाहिए और होने चाहिए, लेकिन उन विधायकों की भी चर्चा हो जाने चाहिए जो क्षेत्र के मुद्दा है, क्षेत्र के क्वेश्चन लगे हैं, ध्यानाकर्षण लगे, उनको भी समय मिलने चाहिए। दूसरा ये कि इनके चिल्लाने से और इनके विरोध करने से BJP को कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, वो तो उनको जो करना वो कर चुके, उनको जो काम करना होता है तो जहाँ की जीत ना की हार ये सब हो जाती है। तो सुनवाई होना चाहिए, साफ तौर पर रामबाई का कहना है कि विधानसभा के सदन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी अपनी बात रख सकें, लेकिन चूंकि हंगामादार स्थिति होती है और कई बातें पटल पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जो क्षेत्र का विकास है वो भी रुकता है। उन्होंने धार घटना पर भी शोक जताया और उनका साफ तौर पर कहना है कि घटनाएं ऐसी नहीं होना चाहिए। कैमरामैन श्रीकांत के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5 महीने का समय बाकी है, ऐसे में नेता अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। कई BJP नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं तो कई कांग्रेस नेता BJP का दामन थाम रहे हैं, और इसके अलावा अन्य दलों के नेता भी भविष्य की संभावनाओं की तलाश में BJP कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। BJP चुनावी जमावट में जुटी है। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा चेहरा माने जाने वाले नेता राजेश तिवारी BJP में शामिल हो गए। CM शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजेश तिवारी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। राजेश तिवारी विदिशा जिले के गंज बासौदा से आते हैं, जहां आज वह सुबह अपने समर्थकों के साथ एक बड़ा काफिला लेकर राजधानी भोपाल स्थित BJP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि राजेश तिवारी को संघ में करीब 30 साल तक नगर तहसील जिला और विभाग कार्यवाह के पद पर रहने का अनुभव है। तिवारी ने कहा कि राष्ट्र धर्म के लिए काम करने को करने वाली BJP के साथ मिलकर काम करने के लिए BJP में शामिल हुआ हूँ। इधर CM शिवराज सिंह ने कहा, आज सावन का पहला सोमवार है, आज इस दिन शुभ प्रवेश राजेश तिवारी जी का हुआ है
उनका लंबा सामाजिक जीवन है, उन्होंने एक अलग पहचान स्थापित की है, उनके संगठन कौशल का लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा। मैं राष्ट्र धर्म के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम करने के लिए आया हूं। उन्होंने धारा 370 समाप्त करवाई, राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण कराया, महाकाल लोक देवी लोक का निर्माण कराया, इन सारे कार्यों से मुझे प्रेरणा मिली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। सावन के पहले सोमवार को ही भारतीय जनता पार्टी में शुभ प्रवेश हुआ है श्री राजेश तिवारी जी का। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ। लंबा सामाजिक जीवन है उनका। राजेश तिवारी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गुलेखा राव जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, जिले के हमारे अध्यक्ष और पूरा हमारा नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आदरणीय राजेश जी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बता दें कि राजेश तिवारी 2023 और 2024 चुनाव में बड़े हिंदुत्व चेहरे को लेकर बीजेपी में काम करेंगे। राजेश तिवारी के बीजेपी में आने से पार्टी को मध्य भारत अंचल में भी मजबूती मिलेगी। बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव पर फोकस कर रही है। पार्टी में अब तक कई बड़े चेहरे शामिल हो चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि राजेश तिवारी आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। INS 24/7 से भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर भोजपुर के ऐतिहासिक शिव मंदिर में सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुड़ गई है। राजधानी भोपाल में महज 32 किलोमीटर दूर इस मंदिर में सावन में मेला लगता है, जहां देश और प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं। भोजपुर के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में स्थित शिवलिंग को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी कहा जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। भक्तगण भगवान को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। वहीं प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो भोजपुर मंदिर का निर्माण व इसके विशाल शिवलिंग की स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज द्वारा किया गया था। बेतवा नदी के किनारे पहाड़ी पर एक विशाल शिव मंदिर स्थित है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग की लंबाई 21.5 फीट है, 14 फीट भीतर और बाहर 7.5 फीट है। श्रावण मास का पहला सोमवार है और इस साल जो श्रावण मास है वो 2 महीने का श्रावण मास है, क्योंकि अधिमास भी लगा है, इसलिए महत्व विशेष बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पूजा पद्धति में बताया है कि जब अधिमास होता है तो बाबा भोलेनाथ की पूजा में अति प्रसन्न होते हैं। बाबा भोलेनाथ को अधिमास अति प्रिय है, क्योंकि इसी मास में माँ पार्वती ने ना बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके और बाबा भोलेनाथ को तप करके इसी श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ को माता पार्वती ने प्राप्त किया था। बिलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, दूबा चढ़ाई, मतलब हमेशा आते, अच्छा मंदिर है। आज महाशिवरात्रि, श्रावण का पहला महीना, महादेव की कृपा। और इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने करवाया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था, जिसके चलते यह अधूरा भी है, क्योंकि इसको बनाते बनाते सुबह हो गई थी, जिसके चलते इसका निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया गया था। अपनी इन्हीं सब प्रसिद्धियों के कारण से मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। INS 24/7 के लिए कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ सनी मालवीय की रिपोर्ट। सागर के खेजरा गांव में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह आपको बता दें कि वहां पर भी महाकालेश्वर मंदिर बनाया गया, जिसे बुंदेलखंड महाकाल मंदिर का नाम दिया गया। मंदिर में भगवान का गर्भगृह उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह की तरह प्रतिकृत किया गया है, जो कि भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचता है और वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है।
बुंदेलखंड के महाकाल मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ पूष्य नक्षत्र के दिन ही हुआ है। 9 सालों में 108 पूष्य नक्षत्र में बुंदेलखंड का महाकाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है। पूष्य नक्षत्र देवताओं का नक्षत्र है, कलयुग में विशेष महत्व है, तो इसके विशेष महत्वता के कारण मैंने ये विचार किया कि सबसे अलग महाकाल का मंदिर जो विशेष नक्षत्र में बनाया जाए, जिसकी कल्पना मैंने की थी वो बाबा ने साकार कर दी और 13 वर्षों से लगातार पूष्य नक्षत्र में निर्माण चल रहा है। बुंदेलखंड के महाकाल मंदिर में सावन के पवित्र महीने में आसपास के श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खेजरा महाकाल धाम में उज्जैन के महाकाल मंदिर में विराजे शिवलिंग की हूबहू प्रकृति की स्थापना की गई है। गर्भगृह भी महाकाल मंदिर के गर्भगृह की ही तरह बनाया गया है। मंदिर में शिवलिंग प्रवेश और निकास द्वार दिशा डिजाइन व वास्तु शास्त्र में महाकाल मंदिर जैसा ही तैयार किया गया है। इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से भक्त खेजरा पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लगता है, 2 महीने के लगभग हो गए मुझे आते यहाँ पे जी। और जैसे उज्जैन में है वैसे यहाँ पे है। मंदिर के पास खेजरा है, खेजरा टीला जो वहाँ स्थित है और करीब करीब यहाँ 40 वर्ष पूर्व दद्दा जी द्वारा अखंड ज्योति का किया गया, जो वो आज तक भी जल रही है और उन्हीं की प्रेरणा से पुकने चक्र में यह महाकाल मंदिर का स्थापना की गई है। ये मंदिर केवल मध्य प्रदेश के ऑल इंडिया में पुष्य नक्षत्र में इसका निर्माण हुआ है जी। महीने में एक बार बनता है, 10 साल चला जी। अब मंदिर बन के तैयार हो गया है और पहली बार शंकर जी की बारात निकली थी जिसमें 3 लाख आदमी करीब बारात में शामिल हुआ। खेजरा धाम में बने महाकाल मंदिर का निर्माण 2013 से शुरू हुआ था, जो 108 पूष्य नक्षत्र में साल 2022 में पूरा हो पाया। महाकाल मंदिर का शिखर 41 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर में भगवान महाकाल के साथ मां अन्नपूर्णा और काल भैरव भी विराजमान है। सागर से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि कुनो नेशनल पार्क में एक चीते की मौत हो गई है और वही आपको बता दें कि नेशनल पार्क में एक चीते की मौत हो गई है। तो वही श्योपुर में एक चीते की मौत हो गई है जिस पर सियासत लगातार जारी है। तो वही आपको बता दें नेशनल पार्क में अब तक 4 चीते और 2 शावकों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नर चीता तेजस कुछ दिन पहले घायल अवस्था में मिला था। मॉनिटरिंग टीम उसका इलाज कर रही थी लेकिन उसे बचाने में उनकी कामयाबी नहीं मिली है और आखिरकार तेजस ने दम तोड़ दिया। तो यह रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।